हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई। बाहर देखिए मौसम बहुत अच्छा हुआ है, रात भर खूब बारिश हुई है और अभी भी हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है। तो सुबह उठने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, सब लोग सोए रहते हैं, एकदम शांति होती है। इसीलिए इस टाइम को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त तो 3-3:30 बजे के बाद ही शुरू होता है शायद। तो उस टाइम पर जो भी काम हम करते हैं वो एकदम मतलब उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए भी उसी टाइम बोला जाता है। तो आज मैं इसलिए जल्दी उठ गई क्योंकि मैं रात में जल्दी सो गई थी। तो ग्रॉसरी मेरी आ गई है और उन सब सामान को भी सेट करना है। तो कल रात में मैं जब डिनर बना रही थी उसी टाइम पे मेरे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ था, तो फ्रिज का डोर मैंने पूरा क्लीन कर दिया, इसको पूरा खाली करके, और उसके जितने भी बॉक्सेस थे उसको मैंने वॉश करके एक माइक्रोफाइबर टॉवल से क्लीन कर दिया। और उसके बाद इसको ड्राई होने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा करके और बाकी चीज़ें भी जो इसमें मैंने रखी हैं उन सबको भी मैंने क्लीन करके इसमें लगा दिया। तो मैं हमेशा जो भी छोटा छोटा टाइम होता है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है, उसमें काम करना बहुत प्रेफर करती हूँ क्योंकि उस टाइम पर मेरी एनर्जी एकदम हाई होती है। तो मैं उस टाइम पर बहुत फास्ट काम कर लेती हूँ। अब जब टाइम मिलेगा तो फ्रिज की क्लीनिंग भी कर दूँगी क्योंकि मैंगो सीज़न था, तब से फ्रिज की क्लीनिंग नहीं किया है मैंने। तो फ्रिज की क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको मुझे टाइम लेके करना होगा, इसीलिए मैंने डोर की क्लीनिंग कर दिया। डोर अभी नीट और क्लीन दिख रहा है। अब मैं पानी लेकर के और लिविंग रूम में चली जाऊंगी, वहीं बैठ के मैं अपनी जर्नलिंग करूंगी, मेडिटेशन करूंगी और एक्सरसाइज करूंगी। तो सुबह उठने के बाद तो सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मॉर्निंग राइजर पर्सन नहीं हैं तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, आप एकदम हाई एनर्जी में रहेंगे। पहले मैंने सोचा पहले जर्नलिंग कर लेती हूँ, लेकिन जर्नलिंग करने जब मैं बैठती हूँ तो बहुत देर तक, मैं लिखना जब शुरू करती हूँ तो बहुत देर तक लिखने लगती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी बहुत शांति है, पहले मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो पानी पीने के बाद यहाँ पे मैं मेडिटेशन करने बैठ गई। और मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनीथिंग। अगर आप किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से आप परेशान हैं या आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है उसका मेडिटेशन। हाँ, ये नॉर्मल मेडिसिन के जैसे नहीं है कि आप इसको एक बार करेंगे और आपको तुरंत वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये एक लॉन्ग टर्म तक करने वाला प्रैक्टिस है। मेडिटेशन इज़ एवरीथिंग। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, या अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों में भी बिलीव करते हैं, तब भी आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आपकी एकदम एनर्जी किसी और लेवल पर होगी, आपकी थिंकिंग, आपका जो मतलब पूरी बॉडी का जो एकदम इन्वायरमेंट है, जो अंदर का इन्वायरमेंट, दैट ऑल विल बी वेरी कूल, काम एंड पीसफुल। तो मेडिटेशन के बाद मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ और साथ में अब मैं यहाँ पे जर्नलिंग भी करूँगी। जर्नलिंग मैं बहुत टाइम से करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं इस अगस्त मंथ का कुछ प्लान लिखूँगी, कुछ गोल्स लिखूँगी जो कि अभी मुझे इस मंथ में कम्प्लीट करना है। आप भी ऐसे मंथ के स्टार्टिंग में ना कुछ गोल्स फिक्स करके रखेंगे तो गोल्स और टास्क बनाने से ना हम बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं। क्लीनिंग का ही हो या फिर मील प्लानिंग कर सकते हैं आप, ये सारा आप स्टार्टिंग में करके रखेंगे तो आपका पूरा जो वीक बाय वीक टाइम होगा वो बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव रहेगा और कहीं पे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने पहले जर्नलिंग किया, फिर उसके बाद अपनी गोल्स को मैं यहाँ पे लिखी हूँ और अपना एक वीकली गोल्स भी मैंने प्रिपेयर किया है जो कि मैंने बाद में लिखा था क्योंकि उस टाइम पे सुबह उतना टाइम नहीं था। उसके बाद मैं किचन में गई और उस दिन का पूरा मैंने काम किया। उसके बाद दोपहर में मुझे थोड़ी देर का टाइम मिला था तो ग्रॉसरी का सामान जो भी मैं लेकर के आई थी वो सब वैसे ही एक जगह मैंने रख दिया था। और फिर यहाँ पे मुझे थोड़ी देर का टाइम मिला तो मैंने क्या किया, ये नीचे का जो एरिया है यहाँ पे मैं ग्रॉसरीज रखती हूँ अपने, तो मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स था उसको निकाल करके उसको मैंने फेंक दिया क्योंकि वो थोड़ा सा फट गया था। और मेरे पास एरियल का जो बॉक्स आया था ना ग्रॉसरी में, आपने देखा था उसमें ये बॉक्स आया था फ्लिपकार्ट से, तो मैंने उसको इससे रिप्लेस कर दिया। इसको रखने से पहले मैंने पूरा पेपर वगैरह तो चेंज नहीं किया, लेकिन एक क्लीनिंग क्लॉथ में विनेगर डाल करके और मैंने उससे पूरा साफ़ किया। विनेगर डालने से ये होगा कि यहाँ पे कोई भी स्मेल होगी वो भी चली जाएगी, चींटियाँ कॉकरोच जो भी होंगे ना वो सब नहीं आते हैं इसके स्मेल से। तो यहाँ पे मैं हमेशा कार्डबोर्ड के ही बॉक्सेस रखती हूँ, जब भी वो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं तो मैं उनको रिप्लेस कर देती हूँ क्योंकि तब तक कोई ना कोई नया सामान ऑनलाइन हम ऑर्डर करते ही रहते हैं तो नया कार्डबोर्ड बॉक्स आ जाता है। तो इस कार्डबोर्ड बॉक्सेस में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बगल में एक बकेट है तो इसमें मैंने अपने सारे एक्स्ट्रा स्पैचुलास और जितनी भी किचन की चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ क्योंकि इनका बहुत कम यूज़ होता है। मैं किचन काउंटर टॉप पे बहुत कम रखती हूँ, बस जो रोज़ यूज़ वाले होते हैं बस उतना ही रखती हूँ।
और ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस को अपलाइन से रख करके अपने ग्रॉसरी के आइटम्स को इसमें रख सकते हैं, या फिर आप किसी बड़े से कंटेनर में जो भी एक्स्ट्रा स्टफ़ है वो सारा रख सकते हैं। इस बार मैं एक्स्ट्रा लेकर के आई थी चीज़ें, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारा हो गया है। अदरवाइज़ मैं वन मंथ का लेकर के आती हूँ और उसको बॉक्सेस में फ़िल कर देती हूँ, थोड़े थोड़े बचते हैं तो वो इस ऐसे बॉक्स में आराम से आ जाते हैं। बट अभी ये पूरा ऊपर तक आ गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि अभी सामान बहुत ज़्यादा है मेरे पास और मेरे पास तुरंत अभी टाइम नहीं है इनको बॉक्सेस में डालने का। तो मैं जैसे जैसे फ्री होती रहूँगी वैसे वैसे मैं इनको बॉक्सेस में डालूँगी, और कुकिंग करने के टाइम पे जैसे कि मैं मूँगफली को रोस्ट कर लूँगी, सूजी को भून लूँगी, तो वैसे एक एक काम करती रहूँगी और साथ साथ में उनको मैं बॉक्सेस में फिल करती रहूँगी। धनिया भून करके मैंने ऑलरेडी धनिया का पाउडर भी बना दिया है, जो पुराना वाला मेरे पास धनिया पड़ा था उसका पूरा मैंने पाउडर बना दिया। तो ऐसे ही मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम जो भी होते हैं उनको करती रहती हूँ। और ये क्लिप जो है ये दूसरे दिन की है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ टैमरिंड राइस और पोटैटो फ्राई, और क्विकली आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप रोड ट्रिप पे या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं ना, और दो तीन दिन का ट्रिप है तो बहुत अच्छे से ही रह जाता है, ख़राब नहीं होता है जल्दी से। तो मैंने सुबह अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स में यही बना के दिया, क्योंकि वो रोज़ पराठे ले जाके अब बोर हो गया था और वो बोल रहा था कि कुछ मुझे और कुछ नया बना दो, फ्राइड राइस बना दो। तो मेरे पास टैमरिंड का पल्प ऑलरेडी पड़ा था तो ये बनाना मेरे लिए ज़्यादा ईजी था, तो मैंने इसे ही बना दिया। तो उसके लिए राइस को पहले कुक कर लेना है, तो इसी बर्तन में मैंने उसको बना के दिया है। अब इसी में मैं अपना राइस भी खाली कर लूँगी। एक्चुअली राइस जब कुक करते हैं ना तभी उसमें नमक हल्दी डाल करके भी कुक कर लेते हैं, और जब राइस बन जाता है तो तुरंत इसको बड़े से एक बर्तन में डाल करके और फोर्क की हेल्प से फैला लेते हैं, ताकि राइस इकट्ठा ना हो, मतलब अच्छे से ना पूरा खुला खुला राइस एकदम हल्का सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद इसमें पल्प वगैरह मिक्स करते हैं। सुबह के टाइम में तो बहुत जल्दीबाजी होती है, तो मैंने आरओ के लिए तो बना के दे दिया और हमारा ऐसे ही था, तो ये राइस आपको ऐसे दिख रहा है, मतलब इसकी गुठलियाँ पड़ गई हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एक बड़े से बर्तन में यहाँ पे निकाल लिया है और अब मैं इसमें डाल दी हूँ इमली का पल्प, और उसके बाद इसमें नमक डाल करके इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। इमली का पल्प जब बनाते हैं इसके लिए तो उसमें हल्दी और नमक थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छे से उबाल करके और इसको स्टोर करके रख देते हैं, जब भी चाहिए ना तो इसको ईजिली बना सकते हैं। तो मेरे बेटे को लंच बॉक्स में ना बहुत सारी वैरायटीज़ चाहिए होती है, भले वो खाए या ना खाए बट उसको कुछ भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बना करके और इसको रख दिया मैंने फ्रिज में, ताकि जब भी चाहिए तब तुरंत बन जाता है। तो इसमें मैंने इमली को अच्छे से मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद इसको मैं बगल में रख दूँगी और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि कढ़ाई में तेल डालेंगे, और इसमें मैंने उसके लिए भी फ्राई किया था अपने बेटे के लिए, तो ये आपको ऐसे गंदा सा दिख रहा है बट ये पूरा तेल है, तो मैं इसको वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और ये सब चीज़ें हम काम करते करते सीख जाते हैं, जब भी कोई तेल वाली कढ़ाई हो ना तो उसको बिना धोए जब यूज़ करो तो कम तेल में ही काम चल जाता है। जैसे कि इसमें मैंने बहुत कम तेल डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा तेल ही पड़ता है इसमें, क्योंकि फ्राई करते करते मुझे बाद में लगा कि मैंने बहुत ही कम डाल दिया है, लेकिन चूंकि ये कढ़ाई पहले से ही तेल की थी तो इसलिए जो भी चीज़ें मैं बनाई वो चिपकी नहीं। तो मूँगफली को इस पर लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, और उसी के साथ मैं यहाँ पे तड़के की सारी चीज़ें डालूंगी, सरसों के दाने, थोड़ा सा चना दाल, थोड़ा सा उड़द दाल और थोड़ा सा जीरा। ये जो तड़का है ये हर साउथ इंडियन रेसिपी में ना कंप्लीट तड़का माना जाता है, और ये रेसिपी पूरे साउथ इंडिया में मतलब कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन सब जगहों पे फेस्टिवल्स में बनाया जाता है। और इसका जो एक्चुअल नाम है वो है पुली होरा, इट मीन्स कि सॉर राइस, मतलब खट्टा, पुलपु मीन्स खट्टा होता है, उसी से वर्ड आया है पुली, और पुली मीन्स सॉर राइस, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं टैमरिंड राइस। उसके बाद इसमें डाला है मैंने सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, और बाद में फिर कैश्यूज भी डाला है मैंने। तो ये पूरे तड़के की चीज़ें हैं, बहुत सारी करी पत्ते, तो इसको अच्छे से सारा डाल करके ना फ्राई करना है, और इसमें थोड़ा सा हींग भी डाला है मैंने। अब ये तड़का जब अच्छे से भून जाएगा, पूरा बढ़िया से इसको भून लेना है, और इसको हम जो चावल बनाए हैं ना उसमें मिलाएंगे। तो अगर हम अच्छे से नहीं भूनेंगे तो चावल में पड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, और बहुत बढ़िया से अगर लो फ्लेम पे करके भूनेंगे तो चावल में वो 3-4 दिन तक भी रहेगा तभी भी वो सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बहुत लो फ्लेम पे अच्छे से सारी चीज़ों को भूनना है। भूनने के बाद इसको हम चावल में मिक्स कर देंगे, तो चावल में इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। एक बार सॉल्ट भी टेस्ट कर लें, और टेस्ट करके अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा नमक और मिला सकते हैं।
और ये रही एक टेस्टी सी रेसिपी, और जो मैंने मिर्ची इसमें कट करके फ्राई किया है, एक्चुअली वो इसमें से फ्राई नहीं होता है, वो जो टैमरिंड का जो पल्प है, जो इमली का पल्प फ्रेश बनाते हैं उसी में ही उसको भी उबालते हैं। बहुत अच्छा लगता है कहीं जर्नी वगैरह में तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये लंच में बनाया मैंने, और इसी के साथ इसका कॉम्बिनेशन है पोटैटो फ्राई। ये कॉम्बिनेशन कैसे बना मुझे नहीं पता, बट इसके साथ पोटैटो फ्राई का ही कॉम्बिनेशन है, तो मैं फटाफट उसे भी बना दूंगी। तो इसी कढ़ाई को क्लीन करके मैंने इसी में पोटैटो फ्राई भी बनाना शुरू कर दिया। तो एज अ इंडियन हम लोग की ये आदत होती है, अगर एक ही बर्तन बहुत गंदा ना हो तो उसी को ही साफ़ कर करके आप आराम से उसमें दो तीन रेसिपीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पोटैटो फ्राई के लिए तेल डाल रही हूँ, और इसमें तड़के की चीज़ें, प्याज, मिर्ची और करी पत्ते, ये सब डाल करके हल्का सा गोल्डन ब्राउन भून लूँगी। उसके बाद ये जो पोटैटोज़ हैं इसको हाथ से मैश करके डालना है, इसको ग्रेट नहीं करना है या फिर बहुत फाइन मैश नहीं करना है, ऐसे ही जस्ट हाथ से ना इसको दबा देना है। तो कहीं कहीं थोड़े बड़े बड़े पीसेज रहेंगे, कहीं कहीं एकदम पेस्ट रहेगा, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पे प्याज में ही हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर मिला दिया है, क्योंकि प्याज में मिक्स करने से कोई भी चीज़ अगर आप उसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छे से उसमें कलर आ जाता है। तो उसके बाद बस अब ये फ्राई हो गया, इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। चाहें तो ऊपर से धनिया के पत्ते भी डाल दें, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।